घर आंगन सुनैया सबो बहिनी मन ला संध्या परगनिया के राम राम। लीप पोत के चतवारे बियारा, लीप पोत के चतवारे बियारा, धनहा डोली लुआवा थे, उल्हवा उल्हवा दिखे उन्हारी, खवैया मन लुभावा थे, मिंजाक उठा के कोठी मा अब लक्ष्मी दाई समावा थे, हरियर हरियर डोली मा मेहनत के फर लहरावा थे, भाग जाग गे खेती मा, भाग जाग गे खेती मा, खेत हारिन ददरिया गावत है, नवा धान के चाउर के चीला फरा सुहावत है, हरियर हरियर डोली मा मेहनत के फर लहरावत है। हाँ बहनी हो, मेहनत के फर कतका मीठो थे ना, कतेक जतन ले से के धान ल सिर जाए, अब ओला सकेले के बेरा आगे, धान लुवई तो कतेक भर दरा है, और आजकल तो मशीन के आए ले लुवई और मिंजई संघरा तको हुआ थे। अब देखो ना बहनी हो, दिवारी तिहार ये दे बुलकिस, अब धान पान ल लुए सकेले के बेरा होगे, कहन त हम नारी परानी मन के काम बूता हा औ बाड़गे, घर परिवार लोग लइका मन के जोखा सरेखा करे के संग खेती किसानी के काम बूता, और कहूँ हम नौकरी पेशा हन त दोनों डहर के जिम्मेदारी। ऐसे नहीं है कि घर परिवार बर पुरुष मन के कोनो जिम्मेदारी नहीं हुए, परिवार हुए या समाज या फिर देश, स्त्री और पुरुष दोनों के बरोबर सहभागिता ले ही बने चलते, फिर नारी परानी माँ सहनशीलता थोकन ज्यादा होते, नारी परिवार ला एकजुट एक डोर में बांधे राखते, और परिवार ले ही हम समाज के कल्पना कर सकथन, और समाज ला स्वस्थ रखना है, विकास के रद्दा मर लेगना है, तब बहिनी मन के भागीदारी बिगन तो संभव नहीं है। कोनो भी समाज या देश तभी तरक्की कर सकते जब नारी शिक्षा और सशक्तिकरण में जोर दे जाए। भई बेरा बेरा में सरकार कोती ले तको एकर प्रयास होवत रही थे, फिर एकर शुरुआत तो हामी मल्ला करेला लागी। बेटा बेटी में भेद, दहेज प्रथा, बाल विवाह और कई ठन सामाजिक कुरीति है जौन ला हम पढ़े लिखे रहिबो तभी मिटा सकथन। बेटा होवे या बेटी दोनों की एक के बरोबर लालन पालन के संग पढ़ाई लिखाई ला करवावन और ओ मल्ला आत्मनिर्भर बनावन। देखन त हरेक क्षेत्र में महिला मन अपन भागीदारी निभावत थे, चाहे वह शिक्षा के हो, राजनीति के हो, चाहे कोनो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, जमीन ले लेके आसमान तक अपन कामयाबी के परचम ला लहरावत थे। बस जरूरत है तो जागरूक करे के, कोनो काम बर प्रोत्साहित करे के। भाई हम तो समाज में ही रही थन, और अभी के बेरा में स्व सहायता समूह के मदद ले छोटे मोटे उद्योग धंधा खोल सकथन, अपन व्यवसाय ला कर सकथन, अपन परिवार बर आर्थिक सहयोग कर सकथन। और बहनी हो, जुर मिल के समूह बना के कोनो काम बुता ला करे लेना, काखरो ऊपर ज्यादा भार नहीं हो और काम तको आसानी ले हो जाते, काम बुता के संगे संग चार पैसा आय के साधन तको बन जाते। तो बहनी हो, सही सोच सही दिशा ले हम अपन समाज के विकास में सहभागी बन सकथन। मोर अंगना मा तुलसी के चारा, ओ दीदी मोर
अभी आप मन जौन गुरतुर गीत ल सुने ओला सुर ले सजाए रहिन गायत्री मिश्रा और ओकर संगवारी मन। बहनी हो, हमर भारतीय संस्कृति अतेक पावन है ना कि यहाँ के कण कण में भगवान के रूप बसे है। तभे तो पखरा लतको भगवान के रूप में देखथन। और हमर छत्तीसगढ़ी संस्कृति के जतका बखान करबो ना ओतकेच कम है। त आवा सुनथन भेंट वार्ता छत्तीसगढ़ी संस्कृति के वैज्ञानिक महत्व औ शिक्षाविद सरला शर्मा ले कोट बात करे है हमर बहिनी संगीता वर्मा। हाँ, जम्मो श्रोता बहिनी मल्ला संगीता वर्मा के राम राम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हरे और समाज में होवैया सबो सुख दुख हंसी खुशी और हर सामाजिक काम में सब एक दूसर के सहभागी बनथे। तेकर सेती अपन भाव ला व्यक्त करे बर कहीं ना कहीं खुशी या फिर तीज तिहार के माध्यम ले अपन भाव विचार ला व्यक्त करत रहते। काबर भारत एक उत्सव प्रिय देश हरे। यहाँ हर दिन कोनो न कोनो तीज तिहार होवत रहते। ये परब और हमर संस्कृति ही हमर देश के पहचान हरे। और ऐसने हमर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और तीज तिहार विश्व मा तको अब्बड़ प्रसिद्ध है। और आज यही सब बात ला और बने विस्तार ले जाने पर हमर स्टूडियो मा आमंत्रित करे हन शिक्षाविद साहित्यकार सरला शर्मा ला। सरला दीदी, आपके हमार स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपसे गोट बात करबो छत्तीसगढ़ के संस्कृति में कतका वैज्ञानिक महत्व है और एकर आज वैज्ञानिक जीवन में का प्रभाव पड़त तेन ला। तो हम सबले पहले आपसे ये पूछना चाहबो कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति में वैज्ञानिक महत्व और आधुनिक जीवन शैली के ऊपर आपके का विचार है। सबो सुनैया बहनी मल्ला जथा जोग जोहार अभिवादन। संगीता, आज के जौन तय विषय देहे हस ए विषय के ऊपर कुछ बोले के पहली हमला ये जानना जरूरी है कि संस्कृति काला कथे। तो कृति मतलब किए गए काम, मन से चाहे वह महिला होए, पुरुष होए, लड़का होए, सियान होए, जवान होए, आदमी है जौन काम करते, जौन अच्छा काम करते, वो अच्छा काम हर जुग जुग जिया जागत रहत जन्म भर ओकर संग देते और अवैया पीढ़ी लभी ओहर रास्ता बताते। तो ऐसना काम जेहर सबो दिन उजागर रथे, सबो दिन लोगन ला रास्ता बताते, तो ओ ऐसनहा काम मन जब एक जगह सकलाते तो ओला हमन कथन संस्कृति। तो संस्कृति हर कोनो एक मन से के बनाए ले नहीं बने। संस्कृति हर जुग जुग ले सबो जन के, गरीब अमीर मालगुजार भूतियार सबो जन के किए गए काम हर संस्कृति कहा ही। तो ओ संस्कृति मा वैज्ञानिकता का है। तो अब हमन एक बार ध्यान दिन कि वैज्ञानिकता काला कथन। ज्ञान शब्द ले शब्द बनिस विज्ञान। ज्ञान माने जानना सुनना समझना। कोनो बात ला हम जानथन सुनथन समझथन तो ओला हम ज्ञान कथन। तो विज्ञान काबर कथन, ओमा वी विशेषता एकर बर जुड़ीस कि ज्ञान मतलब आध्यात्मिकता होइस और विज्ञान मतलब आधुनिक जीवन शैली ला प्रभावित करने वाला, जेला आज के भाषा में हमन मशीन मीडिया ऐसे कही के बताथन ओला हमन कथन विज्ञान। अच्छा, तो विज्ञान के और संस्कृति के समन्वय हर हमार भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े विशेषता है। अभी धीरे धीरे हमन एक गुड बात में आगे बढ़बो तो मैं बतावत चलियो। हाँ दीदी, बहुत अच्छा जानकारी दे हो आप। हम आपसे ये और जानना चाहबो कि हमार भारतीय संस्कृति तीज तिहार ला आप कैसे देखते हो, आपके दृष्टि में एकर का महत्व है। तीज तिहार पर्व, हाँ थोड़ी कने मेर हमन आउ ध्यान देबो बहनी हो। तीज तिहार का बर कथन, तीज पूरा साल भर में एक ठन तीज ल हमन सुरता करथन। काबर काबर के समस्त महिला मन अपन अपन पति आउ तो आऊ वे जो न दिवंगत हो गए सरक चल दे है तौनो पति के नाम में तीजा उपास रखथन। हाँ। मतलब हमार छत्तीसगढ़ के जतका तिहार है तेमा हमन
शिरोमणि तिहार कहबो तीजा और तीजा के संग में तिहार ल हमन जोड़ देन। तिहार के तो मतलब होते उमंग उत्साह, परंतु परब शब्द हर अलग होते। परब के मुख्य शब्द होते पर्व। पर्व काला कथन कोई विशेष तिथि में कोई तिहार जब हम मनाथन तो ओला पर्व कथन। जैसे दिवाली होली ओहर पर्व है। अच्छा। परंतु पर्व के ही एक रूप तिहार हरे। पर हमन तिहार ला दो तरह से मनाथन, एक तिथि अनुसार मनाथन और दूसर हमार जन देवता धामी बड़े मन हो गए हैं तेमन के जन्म तिथि वगैरह के रूप में मनाथन। जैसे रामनवमी राम जन्म के सतीर मनाथन, कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जी के जन्म के सतीर मनाथन, तो नाग पंचमी सुरता राखे बर पढ़ी बहनी हो, एहर हमार भारतीय संस्कृति है, एहर हमार छत्तीसगढ़ है। हमन मन से तो मन से नाग घलाव ल दूध लाई खवाथन जी नाग पंचमी के दिन। मैंने हमन जीवन के पूजा तो करबे करथन, हमन मृत्यु के भी पूजा करथन। एकर मतलब होइस के भारतीय संस्कृति में मृत्यु भी है आनंद। मृत्यु हर शोक नो है, मृत्यु हर आनंद। अच्छा। सुरता करो ना मरनी होगी तो मरनी में बड़ा सोहारी सबो बना डरिन, ओहर आनंद के एक ठन रूप तो है। जवैया ला हम रो के नहीं विदा करें, हंस के विदा करें, तो ओहर आनंद ही है। हमार भारतीय संस्कृति के मूल आधार है आनंद। काबर हमन संस्कृत में कथन ना रसो वई सह, समस्त रस के आगार परमात्मा। तो दूसर कति हमन कथन परमानंदम माधवम। और दीदी हाँ? जब हम छत्तीसगढ़ ला देखथन तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति परब तीज तिहार बहुत समृद्ध नजर तक आते। आप एक साहित्यकार और शिक्षाविद, आप अपन अध्ययन के दृष्टि ले एला बहुत करीब ले देखत हो, तो हमार छत्तीसगढ़ संस्कृति परब के बारे में आप का कही था? हमार छत्तीसगढ़ में परब और तिहार हमन दू तरह से मनाथन। हमन जो परब मनाथन तेकर आउ सब तो आप मन जानते हो। अभी तीजा के हमन सुरता करें, होली के सुरता करें, दिवाली के सुरता करें, जो मुख्य एला सब जन जानत हो। जो मुख्य मुख्य बात है जेला मैं आप मन ला सुरता करवा हूँ के संसार में भारतीय संस्कृति ही ऐसा संस्कृति है। हम छत्तीसगढ़िया च मन हन जेमन पूरा पितर पाख में 15 दिन ओरी ला लीप के गोबर मा ओमा चौक पूर के ओमा फूल रख के अपन पितर मन ला के तिहार मनाथन। यह हमार भारतीय संस्कृति के संगे संग हमार छत्तीसगढ़िया संस्कृति के जग जग ले उजागर पक्ष है के ओ जोन पितर जेला हमन देखे नहीं तनो मन ला सुरता करके हमन रोल नहीं आनंद मनाथन, बड़ा बनाथन, बोबरा बनाथन, चौसेला बनाथन, आनंद मनाथन ना। ए हर हमार छत्तीसगढ़ी संस्कृति और भारतीय संस्कृति के आनंदमय रूप के एक ठन उदाहरण है। अच्छा। दूसरा उदाहरण में देना चाहिए हूँ। हमार छत्तीसगढ़ मा हमन गरीब अमीर जात कुजात नहीं मानन। कब? होली के दिन। ओ होली के जो होलिका जलते ना ते मा जात कुजात गरीब अमीर सब लहमन जरो बरो के लेस देथन। और जब होली जल जाते तो जतका छोटे लड़का मन ओई होली के राख लले के माथा में बड़े मन के लगाते जय जो पापरथन खुश रह जियत रह। ओतका बेर कोई जात कोई ब्राह्मण कोई छत्री नहीं रहे, ओतका बेर दुए ठन जात रथे का एक लड़का और एक सियान। सियान मन आशीष दी लड़का मन पापर ही और तेकर बाद नाचत गावत खुशी मनाबो। यह बहुत बड़े विशेषता है भारतीय संस्कृति के। जे मन ऐसे कथे के छत्तीसगढ़ में जात पात है, छत्तीसगढ़ में छूत छात है, मैं उमन ला ए बात के सुरता देवाना चाहिए हूँ कि होली तिहार ला सुरता करो। दुग दुग नगारा जत का बेर बाज थे ना तो लैकनो नाचत रहते और सियान मन मुड़ी हलात रहते, उतका बेर कौन कौन जाते थे ला कौन पूछा था। दीदी हाँ? हमारे तिहार बार आदि काल ले चले आवा थे, एकर रीति रिवाज रसम ला हमर सियान मन कतका सोच सोच के बनाए रही सो है।
और ये सब के आज वैज्ञानिक प्रमाण तक मिला थे और अभी भी एक वैज्ञानिक कारण ला खोजते हवे। आप एक बारे में का सोचते हो? ये तिहार बान में कतका वैज्ञानिकता देखता हो? आपला ये कतका तर्क संगत लागते? अभी मैं अलग अलग तीज तिहार के उदाहरण देवत आवत हूँ, परंतु मैं एक बात के उदाहरण जो सामान्य सब जन जानते हो एक उदाहरण ला तो देवे करी हूँ। तीजा के बड़ महत्ता है ना, तीजा के उपास रथे निर्जला और जब पानी पीते तो हमन ऐसे काबर नहीं पूछन फरहार कर डारे आहा, हमन का कथन बहनी पानी पिए पानी काबर पिए। यही बेर वैज्ञानिकता ला आप मन ध्यान देवो एकर बार कि दिन भर के निर्जला उपास रही के पानी पीही तो पेट हर अड़ोर ही उल्टी हो जाही बुखार हो जाही कुछ गरु चीज खा ली ठेठरी खुरमी तेलहा फूलहा तो पचोय नहीं सकी तो सबले पहली हमन पानी पिया थन। और वो पानी हर काएला सोचो दूध ला गुड़ डाल थन और दही डाल के ओला फटो थन और ओला हमन का कथन बिंसा। वो बिंसा हर पेट ला ठंडा कर थे जो अग्नि उद्दीप्त हो जा रहे थे तो पनीर बन गए ना। खाली दूध ला पीही तबो गैस बनही और दही ला खा ली तो खट्टा हो ही तबो एसिडिटी हो ही। सोचो हमर सियान मन ए बिंसा के द्वारा कत्ता वैज्ञानिक प्रयोग करे रिन है उस लड़का मन बर जे मन उपास रखे माई बेटी मन बर और तेकरे बर हमन ऐसे नहीं कहन कि तीजा हो गए तो फरहार कर डारे आहा, हमन कथन तीजा हो गए पानी पी डारे बहनी। ए हरे वैज्ञानिकता छत्तीसगढ़ के तीज तिहार के। अब दूसर वैज्ञानिकता ऊपर ध्यान दो। हाँ बताओ दीदी। हमर छत्तीसगढ़ में दो ठन नवरात होते चैत नवरात और कुंवार नवरात। काबर भाई एकर बर के नौ दिन बरसात में हमन के पेट में मंदाग्नि हो जाते पचाए नहीं बादर पानी सब के कारण शरीर हर घर में बैठे बैठे ठिठुरा संजाए रहते ओला गरम करना है फिर से हमार शरीर में ताकत लाना है पाचन शक्ति बढ़ाना है तो का करें शरद ऋतु आवत है काबर कांस फूल फूल गे और कांस फूल फूल गे तेला कैसे जानथन हमन खेत में जाथन ना तो कांस फूल डोलत रहते तो करथन वर्षा विगत शरद ऋतु आई है ना जनु बरसाकृत सकल बुढ़ाई है ना तो बुढ़ा गे वर्षा है बुढ़ा गे रे ओकर चुंदी पाक गे वर्षा जात है अब काया है शरद ऋतु आही तो शरद ऋतु आही तब ठंड आए के पहली अपन शरीर में थोकन गर्मी थोकन पाचन शक्ति बढ़ाए बर पर ही ना अब वो खेत में धान पाक ही तेला लुवे कौन जाही मिंज ही कौन तो ताकत चाहिए ना तो हमार पाचन शक्ति ला हमार शक्ति ला हमार ताकत ला देखो कतका बढ़िया वैज्ञानिक दृष्टि से एला देखथन हमन कि नौ दिन उपास करथन और ओकर नौ दिन के बाद में ओ जो उन बरसात पानी में घर में खुसरे रहन ते शरीर हर एकदम से कुंवार के घाम ले नहीं सह सकी बीमार पड़ जाही ना तो कुंवार के घाम ला सहे लायक हमर ता शरीर ला हमन ताकत देथन नौ दिन उपास करके अपन पेट के आगी ला उद्दीप्त कर लेथन। ये तो आप एकदम बने बात बताए हो दीदी। दीदी आज के बेरा ला हम देखथन ता आधुनिकरण के कतका प्रभाव होवत जाथे कि कोनो भी तिहार बार मा आज लइका मन ज्यादा रुचि नहीं लेवाय। आपके एकर बारे में का विचार है और एकर बार आप काला दोषी मानते हो? मोर हिसाब में दोषी कोनो नहीं है। आजकल माँ बाप दोनों नौकरिया हो गए हैं समय उमन कर नहीं है। दूसर बात प्रत्येक तिहार ला घर में नौकरी के चलते उमन माने नहीं सके और अपन अपन कृषि प्रधान संस्था से हमन अलग हो गए हैं आधुनिक युग में जियत हन और सबले बड़े बात हमार लड़का मन के पीछ में लदाए बोझा कापी किताब के बोझा ओ मन ला एति स्कूल जावत है ओति ट्यूशन जावत है अंग्रेजी पढ़े बढ़े तो मन का करें कैसे करें तो समय के अनुसार हमन ला बदलना पड़ी। अच्छा। और समय के अनुसार बदल के हमन ला तीज तिहार ला जैसे आजकल हमन गणेश ला दुर्गा ला सामूहिक मनात हन ना ये छोटे छोटे तिहार मन ला भी हमन सामूहिक मनाबो तो ज्यादा उपयोगी हो। मैं ये संदेश देना चाहिए हूँ
कि सबो बहनी मन तिहार ल जुर मिल के मनावें। काबर अकेला अकेला मनाए म समय भी ज्यादा लगते, समान भी नहीं जुड़े और एक दूसर से मिले नहीं सके। ए बहाना में सब एक दूसर से जुर मिल नहीं। सरला दीदी, आप अपन कीमती समय ला निकाल के हमर स्टूडियो में आयो और अतिक सुघर सुघर जानकारी दे, तेकर बर आपला बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सुनेन भेट वार्ता शिक्षाविद साहित्यकार सरला शर्मा ले संगीता वर्मा के कोड बात और विषय रहिस छत्तीसगढ़ी संस्कृति के वैज्ञानिक महत्व। वार्ता में हमर दीदी है बतेन कि तीस तिहार हमन मनाथन खुशी मनाए के खातिर, फिर ओकर वैज्ञानिक कारण ला तको बड़ विस्तार ले बतेन और हमर संस्कृति के मूल आधार आनंद ला बतेन। सालिक राम सेन और मालती चौहान के संग आवो ये गीत के आनंद हमन उठाथन। काड़ी के रुंधना चिकट माटी के छबना वो पच हथी धोती माड़ी के टेकना, ये रहे रे काड़ी के रुंधना चिकट माटी के छबना वो पच हथी धोती माड़ी के टेकना, ये देखो न छैला कुटे जुना धान गोई बर पेली के मुसर बाजे बाहना, ये देखो न छैला कुटे जुना धान गोई बर पेली के मुसर बाजे बाहना। राधे चरोटा के भाजी का साग, राधे चरोटा के भाजी चन के करे वो चन के करे ना, चन के करे वो चन के करे ना। मांग के रात पोहागे पुस मांग के रात पोहागे गोदरी के बोड़ना पच हथी धोती माड़ी के टेकना, ये देखो न छैला कुटे जुना धान। बहनी हो, हमर रंधनी खोली में ना कते खाए पिए के जिनिस रही थे और वह दवाई के काम तको करते। तब मेथी दाना ला देखो, हमन साधारण रूप में साग में फोरन डारे के काम में लानथन, फिर एकर उपयोग हम औषधि के रूप में खलो कर सकथन। बाल ह कहूँ ज्यादा झरत हे त मेथी दाना ल नरियर तेल म चुरो के बाल म लगावन, एखर ले बाल झरे के समस्या ह दूर हो जाही। और कहूँ पेट म दर्द हे त मेथी दाना ल एक गिलास पानी म भिंजो लेवन और बिहेनिया बेरा इही पानी ल पिए ले कब्ज के समस्या ले हमला छुटकारा मिल जाही। बहनी हो, अभी बहनी हो कहे जाते ना, पहला सुख निरोगी काया, सेहत ले बाढ़ के कोनो जिनिस नहीं हुआ है। हम स्वस्थ रहिबो तभे तो जिंदगी के सबो सुख के आनंद उठा पाबो और शरीर ल चुस्त दुरुस्त रखना है त हमू मन ल थोड़ी चेतलक होए बर लागही। मौसमी फल फलहरी साबुत अनाज अंकुरित अनाज हरियर हरियर साग पान ल अपन खान पान में जरूर शामिल करन। ज़्यादा नमक ज़्यादा शक्कर खाए ले बाचन, नींद भरपूर लेवन और तनाव ले थुकन धुरिया रहन। भाई देखो, व्यायाम ल कसरत ल अपन जिंदगी के हिस्सा जरूर बनावन। हमर गांव वाले बहनी मन के कसरत तो बिहनिया कुल्ले काम बुता के संगे संग शुरू हो जाते, फिर शहर वाले बहनी मन बिहनिया के थोड़ी बेरा
अपन शरीर ल स्वस्थ राखे बर जरूर निकालन भई। बहनी हो जाड़ ह तको जनाए ले धरे हे और जाड़ ह जनाथे त शरीर ल गरम राखे के जतन ल करथन। स्वेटर साल मोजा टोपा के मदद ले शरीर ल जाड़ ले बचाए के कोशिश करथन। फिर अंदरूनी मजबूती बर पुष्टई जिनिस के जरूरत होते और ऐसन बेरा मा हम सूंठ के लाड़ू जरूर बनावन। सूंठ ला घी मा बनी भूंज के मेवा मिष्ठान ला डार के बांध लेवन जौन ला ओसहा लाड़ू घलो कहथन। ये ह बड़ पुष्टई के होते। तभे तो हमर सियान मन जचकी के बेरा महतारी के शरीर ला मजबूत बनाए खातिर खवाए अभी तक वो खवाए जाते। हमू मन जार और बहनी हो हमर रिश्ता ला मजबूत बनाए खातिर माया के बंधना जरूरी है और हमर बीच के माया के ये बंधना है पाती। त आप मन पाती जरूर भेजू और आज के घर आंगन ले अपन बहनी संध्या ला देवो विदा और लेवो हमर राम राम।